ओ इसके अंदर मुझे कुछ दिखा, ये देखो ये फटा हुआ है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ब्राउन सिबलिंग्स लाइव लाइव लाइव। तो सो रहा है कि मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, जब तक दीदी इंट्रो देती है तब तक मैं सो जाता हूँ। बाय। सो गाइस, हम आए हैं दिल्ली हमारे फर्स्ट सॉर्ट्स इवेंट पे, एंड आप सोच रहे होगे कि कुछ नहीं, अभी अभी आए हैं एंड ये हमारा रूम है। बाय द वे, ये हमारा फर्स्ट सॉर्ट्स इवेंट है, आई मीन मेरा भी और शॉर्ट्स वालों का भी फर्स्ट शॉर्ट्स इवेंट है। बहुत ज्यादा नर्वस हूँ मैं, बहुत जोर की भूख लग गई है, मेरे भाई को भी, मेरी बहन को भी। तो हमने मतलब खाना ऑर्डर कर दिया था, मतलब जब मैंने व्लॉग, मेरा डिसाइडेड ही नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊं कि नहीं बनाऊं, पता नहीं ये मैं अपलोड भी करूंगी कि नहीं। लेट्स सी, अगर अच्छा व्लॉग बनेगा तब मैं अपलोड करूंगी। और बाकी क्योंकि यू नो मुझे ना बाहर जाते ही थोड़ा सा वो, मैं नर्वस हो जाती हूँ सबके सामने, तो व्लॉग बनाना मेरे लिए थोड़ा सा मतलब थोड़ा नहीं बहुत हार्ड है। तो लेट्स सी, मैं इवेंट पे मतलब बना पाऊंगी तो मैं बनाऊंगी। और बहुत सारे यूट्यूबर्स और आ रहे हैं, मतलब 100 यूट्यूबर्स आने वाले हैं। एक दो यूट्यूबर्स का पता है वो आने वाले हैं, बट बाकियों का नहीं मुझे पता है, वहां जाने के बाद पता चलेगा। तो हमारा इवेंट 17 को है, आज 16 है, तो हम एक दिन पहले आए ताकि हम आराम से यू नो मतलब ट्रैवल करके आए, तो आराम से एक दिन रेस्ट करें एंड लोकेशन वगैरह चेक करके फिर हम कल जाएं। तो हमारा खाना कब का ऑर्डर हुआ तो अभी तक नहीं आया। एंड मैं आपको, मैं क्या पहन रही हूँ, ओ लगता है खाना आ गया, वेट, ये भूख लगी थी। कोई बात नहीं, क्या चीज, कैसे बैठी हूँ, कह रही है कोई नहीं, आप इधर को खिसका दो। हाँ ओके, तो हमारा खाना आ गया। हमने ऑर्डर किया था कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, जीरा राइस, हमने बटर नान किया था बट आया है लच्छा पराठा। हमने बटर नान ही ऑर्डर किया था बट उनके पास अवेलेबल नहीं था, तो हमने लच्छा पराठा किया है। गर्म है यार, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी। ये देखो उठ गया, खाने के नाम पे उठ गया, खाने के नाम पे उठ गया। ये आसदी सर्व कर रही है सबको, एंड तो हम खाना खाकर फिर आपसे मिलते हैं। सभी मैंने टेस्ट तुमने कर लिया ना? हाँ। मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसा, बता दो। टेस्टी है, हाँ, नमक कम लग रहा है। बाहर के होटलों में नमक ही कम रहता, खाना तो टेस्टी है। गाइस पूछते हैं कैसे लगा आपको खाके, तुम्हें टेस्टी, एंड दाल मखनी कैसा है? इंशाल्लाह माशाल्लाह। वो वाला जो रूम है वो मम्मी पापा का है, ये हमारा है 302। जा रही हूँ मम्मी पापा का रूम छोड़ देने। ओके व्हाट, ओए मैंने कार्ड रखा है, खोल देना जब मैं आऊंगी तो। नहीं देखो तो काम चोरों को, लेट्स गो। यहाँ पे दोनों लोग सो रहे हैं, यहाँ पे दोनों लोग सो रहे हैं, मूवी देखी जा रही है। इनका रूम काफी अच्छा है, मम्मी पापा का। खाना खा लिया आप लोग? लोगों का भी खाना हो गया, ब्लॉग देख रही है और मूवी चल रहा है। वाह, चलिए कहीं जाना है बाहर। हाँ आप लोगों को मिला अच्छा, चाय का नाम देख बहुत ज़्यादा हाथ जल गया मेरा, नशा। तो ये हमारा चाय आ गया, ये बस हो गया, थैंक यू थैंक यू। फिर से जल गया मेरा हाथ, ये तो वो गिरा रहा है चाय। हम सो रहे थे, देने रही है मम्मी पापा को टॉवल, दे दो। और मैं तुम्हारा मुंह फोड़ दूंगी, ठीक है? यार दे दो गाइस, और टीवी लड़ने वाला था दो, नहीं मैं नहीं मंगाया टॉवल, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। ये लो टॉवल के लड़ रहा है, डोंट डू दिस, ऐसा से खींच के दिखाओ, लड़ रहा है टॉवल के लिए, ये चोट लग गया, तब भी नहीं छोड़ेंगे, धीरे धीरे
तो ये स्लेट आई और इनको देना ये टॉवल मम्मी और पापा को, इसलिए ये दे रही दीदी करी नहीं उनके लिए अलग टॉवल है। मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये लड़ाई करके मम्मी पापा के पास आ रही है टॉवल लेने। अरे तो क्या घर में अगर हम चाय पी लेते हैं, ये तो ऑलरेडी चाय पी रहे हैं। चाय पराठा अभी डिसाइडेड नहीं है कि हम बाहर जाएंगे कि नहीं, क्योंकि बाहर थोड़ी सी बारिश हो रही है एंड मौसम तो काफ़ी अच्छा था, मतलब उतनी धूप नहीं थी दिल्ली में जितनी होती है एंड वेदर तो काफ़ी अच्छा था जब हम आए थे, बट अभी बारिश स्टार्ट हो गई तो अभी डिसाइडेड नहीं है कि हम बाहर जाएंगे कि नहीं। सो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं थोड़ा सा सो लूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यू ना थकान आ रहा है, क्योंकि मैं ट्रेन में ना बहुत जल्दी उठ गई थी 7 बजे, बट हम यहाँ दिल्ली पहुँचे थे 12 बजे एंड होटल आते आते हमें 2 बज गए थे। तो अभी मुझे थोड़ा सा मतलब खाने के बाद थोड़ी सी नींद आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ मैं सो जाऊँ एंड अगर हम कहीं बाहर जाएंगे तो वो तो मैं व्लॉग में दिखाऊंगी, अभी भी अगर हम कहीं बाहर जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी एंड मैं कितनी बार बोल रही हूँ। एंड हाँ, अभी 4 बज रहे हैं तो हम बैठे बैठे होटल में क्या करेंगे, बोर होंगे यार, तो इससे तो थोड़ा बाहर हम जाते इधर उधर घूमते। चलो जैसा होगा मैं आपको बता दूंगी, बाय। सो रहे हैं अभी तक, सो रहे हैं मस्त, शाम हो गई। उठो, नहा के एकदम रेडी है, दिल हो रहा है, सर दबवाया जा रहा है, फट से हेड शॉट भी नेल पेंट लगा रही थी, कल टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि 12 बजे इवेंट है और जो मेरा ड्रेस है वो भी वाइट कलर में है और मैं नेल एक्सटेंशन करवाने से डरती हूँ, क्योंकि वो जो लोग एक उनका इंस्ट्रूमेंट होता है ना जिससे वो पूरा अंदर डाल डाल के क्लीन करते हैं, वो मुझे बहुत गंदा लगता है। मैं कभी इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसी वीडियोज आते हैं ना उसके, ऐसे ऐसे क्लीन करते हैं, बापरे। तो गाइस अभी टाइमिंग हो रही है 7:30 एंड कब से हम सर्च कर रहे थे कि हम कहाँ जाए कि नहीं, वैसे हमारा कोई और प्लान था बट वो कैंसिल हो गया, तो अभी हम जा रहे हैं कुतुब मीनार, क्योंकि अभी 7:32 हो रहा है, देखते हैं खुला है कि नहीं, गूगल पे तो दिया कि 10 बजे तक खुला रहेगा। हाँ एंड लास्ट टाइम जब हम दिल्ली आए थे तब हम दोपहर के टाइम गए थे, उस टाइम बहुत गर्मी थी, लेट्स सी खुला होगा कि नहीं, गूगल पे तो दिख रहा है ना 10 PM तक खुलेगा। तो या गाइस चलो चलते हैं, थोड़ा सा यू नो कब से हम लोग बोर हो रहे थे, तो लेट्स सी, आई होप खुला हो। एंड रात में मुझे देखना था क्योंकि मैंने इंस्टा पे एक रील देखा था ना, रात के टाइम लाइटनिंग वगैरह बहुत अच्छी थी तो मुझे वो देखना था, तो फाइनली अगर आज भगवान चाहे तो हम देख, लेट्स गो। अभी कैब का वेट कर रहे हैं, कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट्स। मैं आप लोगों को एक खुद से अपडेट देना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी लेकिन मेरी खुशी पे किसी ने नज़र लगा दी, तो मैंने कैब से जो रिकॉर्ड किया था जब मुझे कुतुब मीनार दिखा था मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मैं भी एक्साइटेड थी, मेरा भाई, मतलब सब लोग एक्साइटेड थे, बट जब हम वहाँ पे गए तो टिकट की ज़रूरत थी और हमें पता नहीं था, तो हमारे दिमाग से ही निकल गया था, गलती किसी की भी हो। तो जब हम वहाँ पे गए तो उन्होंने जो वहाँ पे ऑफिसर थे, आई मीन जो वॉचमैन था, उन्होंने बोला कि टिकट की ज़रूरत है एंड हमारे पास टिकट नहीं था, तो उन्होंने बोला कि टिकट काउंटर से जाके लीजिए। जब हम टिकट काउंटर पे गए तो वो टिकट काउंटर भी बंद था उस टाइम, बट वहाँ पे जिनके पास ऑनलाइन बुकिंग थी वो उनकी एंट्री हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, बट जब हमने ऑनलाइन भी किया तो वहाँ पे कह रहा था कि वहाँ पे हो ही नहीं रहा था ऑनलाइन भी, तो इसकी वजह से हम वहाँ पे जा नहीं पाए एंड मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था उस टाइम एंड उसी टाइम पता नहीं किसका यार रो रहा था कि भगवान भी एकदम बरसने लगे थे। मैंने सोचा था दिल्ली में धूप
धूप होगा, मौसम तो काफी अच्छा था यार जब तक बारिश नहीं आई थी तब तक। फिर बारिश आई तो हम पूरा भीग भी गए। एंड मुझे कल इवेंट में भी जाना था, एंड मुझे कल इवेंट में जाना है तो मेरा बाल बाल पूरा भीग गया, एंड भीग गया था तो मुझे डर लग रहा कि मुझे बुखार ना हो जाए। मेरा मूड काफी ज्यादा ऑफ था। फिर जब हम रेस्टोरेंट में गए वहां पे लाइव म्यूजिक था, एंड वो लाइव म्यूजिक मतलब मेरे लाइफ का फर्स्ट लाइव म्यूजिक था। मेरा बहुत मन था, जब मैं ऋषिकेश गई थी तो वहां पे मैंने एक देखा था कैफे में लाइव म्यूजिक, तो मेरा मन था बट मुझे नहीं पता था मैं दिल्ली में उससे एक्सपीरियंस कर पाऊंगी, तो मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। एंड या गाइस उसके बाद मेरा मूड सही हो गया है। तो यहाँ पर हम ऑनलाइन टिकट की बुकिंग करने की कोशिश कर रहे थे बट यार ऑनलाइन टिकट भी नहीं हुआ और हमें वापस जाना पड़ा। यार तो ऑनलाइन टिकट नहीं हो रहा था तो ये भी कैंसिल हो गया, किस्मत ही खराब है हमारी। हेलो, ये वाली लाइन यहाँ से बंद होगी। बंद कर दो कैमरा। गुड मॉर्निंग। तो ये इवेंट वाला दिन था और मैं उठते ही ना पहले मैंने नहाया नहीं, पहले ही मैंने अपना बाल धुल लिया। एंड अब मुझे डर लग रहा था कि 2 घंटे में ये बाल मेरे सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे, तो आप आगे देखना मैं अपने बाल कैसे सुखा रही हूँ। पराठा में कितने पराठे रहेंगे? दो आलू के पराठे। कितने पराठे रहेंगे बेटा? मुझे लगा उसका नाम है दो आलू का पराठा। मेरे बाल ही नहीं सूख रहा है, मैं टेबल फैन से मुझे ऊपर लगा ना, मैं इस टेबल पे खड़े होके सुखा रही हूँ। एंड हाँ मुझे भूख लगी है, टाइम भी हो रहा है, लेट हो रहा है। ब्रेकफास्ट आ गया है, चाय विद दही, दही या पराठे के साथ, एंड हमारा आलू सैंडविच। स्मेल तो काफी अच्छी आ रही है। थोड़ा सा साइड में केचप नहीं होता खाते, थोड़ा सा साइड में। यार स्माइली बना रही है, स्माइली। खाओ पियो ऐश करो मित्रो, खाओ पियो ऐश करो मित्रो। फाइनली मैं जा रही हूँ, रेडी हो रही हूँ। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, तो चलो रेडी होते हैं। मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ फाइनली। तो गाइज ये है मेरा ड्रेस, अगर आपको इस ड्रेस की लिंक चाहिए होगी तो मुझे बता दो। मैं बिल्कुल रेडी हूँ, अभी 11:20 हो रहा है एंड 12 बजे से इवेंट है, एंट्री स्टार्ट होगी एंड सब कोई रेडी है। एंड ऑल्सो क्या वाले ने कैंसिल कर दिया, तो दीदी दोबारा और वो कर रही है क्या? हाँ, दोबारा कर रहे हैं। एंड हाँ आप लोग बताना कौन कौन दिल्ली से है, जो हमारा इवेंट है वो एलोफ एरो सिटी में हो रहा है। तो या
feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fall. Hi Raj. Raj, how are you? Very good. Very good. टेस्ट करके आप बताओ कैसा है? समर ब्रीन जैसा बिल्कुल भी नहीं है. टेस्ट करके बताओ. क्या कैसा टेस्ट किसका आ रहा है? ड्राई जैसा. ये टेस्टी है. हाय हाय, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आकर? अच्छी भाई आ रही है कि पहली बार शॉर्ट्स का इवेंट हो रहा है, कुछ नया हो रहा है. अब आप बताओ. मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है, कुछ पेट में हो रहा है मेरे. बटरफ्लाई क्या बताया गया, इसीलिए सोचा इसकी एंट्री नहीं होगी. आपकी एंट्री होगी, आप बताओ आपको कैसा. तुमने इलीगल तरीके से एंट्री किया. मेरे भी ब्लॉग में आ जाओ. कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? यहाँ आके कम अच्छा लग रहा है, आपसे मिलके ज्यादा अच्छा लग रहा है. हमें भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है. चार बार किया. दुष्यंत, कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू टेक योर सीट? वी हैव वन. फॉर दैट थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. हम ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे इन ग्रुप्स ऑफ थ्री. आप सबको ए बी सी सी बी सी बी. कोई बात नहीं, आपकी बारी आएगी. स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है. तो आपको क्या करना है, ऐसा कोई बंदा ढूंढना है इनोक्युलेटेड हो. पास करते हैं टास्क. और लेट्स स्टार्ट. कुछ गेम ही नहीं समझ में आ रहा. कांग्रेचुलेशंस, ग्रेट जॉब ऑल ऑफ यू. I mean, let's have a round of applause for all of them. Dynamite. Options are dynamite, pink venom, butter, permission to dance. Okay, now is the reveal. Dynamite is the right answer. Very good. लाइफ में बहुत स्ट्रगल है. वी आर हसलिंग हार्ड. सबकी लाइन लगी है. भंडारे को भंडारे की लाइन लगी है. दे दो कोई दे दो. कभी आता वो चिक्का सच्ची आता. अरे वो प्लेट तो था नहीं. प्लेट खाना कैसा है आपको? खाना बहुत अच्छा है. अगर कुछ होकर खाओगे तो, अगर नहीं खाओगे तो ऐसा ही है. सोच रहे हो यूट्यूब में खर्चा किया है? सही है, खा रहा हूँ मैं. बड़ी है मस्त मस्त. मैंने तो सिर्फ अमूल वाला खाया है. चीज बड़ी है मस्त मस्त. वो वाला चीज है ये. खाना पीना हाँ हो गया. हमें टी शर्ट मिलेगी. कैमरा साफ. हाँ वो जब इवेंट हो चुका था उसके बाद हमें यूट्यूब की तरफ से गिफ्ट्स मिले और ये छोटी सी क्लिप है उसकी. एंड देन हमने केक भी कट करा क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट्स का सेकंड एनिवर्सरी भी था. हाथ से नहीं खिला रहा मैं. फुटेज मत ले. हम घर आ गए, अभी होटल आ गए.